हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज हम लोग फिर से लेके आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले तो भाई मैं अभी बिल्कुल भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, स्टार्टिंग में अभी हमारा फास्टिंग चल रहा है, रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में आप लोगों को पता ही है, फास्टिंग करना पड़ता है। एंड स्टार्टिंग में तो भाई लाइक 15 या 16 तक तो मैंने स्ट्रीम करने का पूरा कोशिश करा, एंड पता नहीं 15-16 तक ठीक ही मौसम था, उसके कारण मुझे ज़्यादा लाइक फास्टिंग रखा था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था स्ट्रीमिंग वगैरह करने में भी। बट यार अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, आप सभी को पता ही है, आप लोग का शहर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो उसके कारण यार मुझे मतलब स्ट्रीम करने का मन बहुत है बट हिम्मत नहीं हो पा रहा, क्योंकि यार फास्टिंग रखता हूँ तो आप सभी को पता ही है प्रॉब्लम। बट यार क्या ही करूँ, इसीलिए अभी नहीं हो पा रहा है। एंड अभी भाई आज मैंने वीडियो बनाने के लिए ये लैपटॉप खोला, भाई मेरा लैपटॉप भी पता नहीं क्या हुआ, वो भी फक्ड अप पड़ा हुआ है, एंड उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रखा है यार। प्रॉब्लम एक बार आता है तो सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता है। बाकी का अभी मोबाइल से मैं बना रहा हूँ, तो अगर साउंड या फिर वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम आए तो तुम लोग चला लेना। बाकी के अब आज की वीडियो अब यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो भाई और बस वही है, उतना ही कहना था, स्ट्रीम नहीं कर पा रहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट लेट्स सी इस बार क्या आया न्यू पोकेमॉन्स वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पर टास्क एक्सपर्ट में आप लोग देख लो, टास्क एक्सपर्ट में वही है, अगर आप 300 का डायमंड 300 डायमंड को टॉपअप करोगे तो उसका आपको एक कॉफ़ी एंड एक नट्स मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला। एंड सेकेंड टास्क एक्सपर्ट में आप सभी को पता ही है, सेकेंड टास्क एक्सपर्ट में आप लोग अगर रैंडम यहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिल जाएंगे, रैंडम रिवॉर्ड अगर आप यहाँ का मिशंस वगैरह करोगे। तो देखो मैंने ये ऊपर वाला करा तो मुझे ये रिसीव हो चुका है, वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो। बाकी का यहाँ पर कंटिन्यूस टॉपअप में आप सभी को मालूम ही है, अगर आप 3 डेज तक रेगुलर टॉपअप करते हो तो आपको ये ऊपर वाला मिल जाएगा रिवॉर्ड, एंड अगर 7 डेज तक रेगुलर करते हो तो ये सारे के सारे आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे। बाकी के यहाँ पर पॉपुलर इवेंट में जाकर देख लेते हैं, पॉपुलर इवेंट में मिस्ट्री ब्लाइंड बॉक्स आया जो कि हम बाद में देखेंगे। बाकी के यहाँ पर स्किल मॉल आ चुका है, एंड स्किल मॉल में आप सभी को मालूम है अगर आपको 5000 डायमंड खर्चा करना पड़ेगा एक स्किल लेने के लिए, एक मूव लेने के लिए कोई पोकेमॉन का, तो अगर आपको किसी पोकेमॉन का मूव चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। बाकी यहाँ पर कंजेशन रिवॉर्ड में देख लेते हैं, कंजेशन रिवॉर्ड में वही है, अगर आप डायमंड खर्चा करोगे तो ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, एंड ये सारे रिवॉर्ड अच्छे हैं भाई, लिटरली बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग यहाँ से ये सारे रिवॉर्ड ले सकते हो। बाकी के कार्निवल टॉपअप में भी वही है, अगर आप टॉपअप वही तो नहीं, इसमें अगर आप टॉपअप करते हो तो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे, बट यार रिवॉर्ड उतने अच्छे नहीं रहते। एंड यहाँ पर रिच रिवॉर्ड में तो और क्या ही बोलो, रिच रिवॉर्ड नाम से ही रिच है, बट इसमें तो और भी ज़्यादा बेकार रिवॉर्ड मिलेंगे, बट इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप टॉपअप करते हो तो आपको सारे रिवॉर्ड मिलेंगे फ्री में, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एंड यहाँ पर फीडबैक रिवॉर्ड है, फीडबैक रिवॉर्ड में अगर आपका आप टॉपअप करते हो, कोई सा भी टॉपअप करते हो, मिनिमम टॉपअप करते हो, एंड आपके पूरे सर्वर में 20 बंदे ने अगर टॉपअप कर लिया तो आपको ये सारे के सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, वरना अगर 5 नहीं करा तो ये ऊपर वाला, एंड 10 नहीं करा तो ये मिल जाएगा आपको रिवॉर्ड, लेकिन एक बार आपको टॉपअप करना ही पड़ेगा। बाकी के यहाँ पर वाउचर पैकेज में भी आप सभी को पता है, 600 डायमंड टॉपअप करोगे तो आपको ये दो पैकेज मिलेगा, जिसमें रैंडम रिवॉर्ड रहते हैं जो कि कभी अच्छे पड़ते कभी नहीं पड़ते। बाकी के यहाँ पर वीकली टॉपअप में है, एक हफ्ते में आप कितना का टॉपअप करते हो, जैसे कि आज 60 डायमंड करे, कल 300, जितना भी करोगे उस हिसाब से आपको ये सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। एंड अब चलते हैं एनी टॉपअप में, एनी टॉपअप में अगर एक दिन में मतलब पर डे ये इवेंट चलता है, तो अगर आप 3 कोई सा भी टॉपअप करते हो ये ऊपर वाला रिवॉर्ड मिल जाएगा, एंड अगर 300 के ऊपर का टॉपअप करते हो तो ये सारे के सारे आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे। बाकी के यहाँ पर फेस्टिवल इवेंट में जाके देख लेते हैं, लकी टनल, लकी टनल में देख लेते हैं क्या आया है। तो यहाँ पर लकी टनल में हमें हार्श एनर्जी एंड हाई क्लास प्लेट, लो क्लास प्लेट एंड मीडियम क्लास प्लेट मिला है, जो कि ठीक ही है, लेकिन यार डायमंड यहाँ पर खर्चा करना सही नहीं रहेगा। बाकी के यहाँ पर गोल्डन एप्पल एक्सचेंज में देख लेते हैं, गोल्डन एप्पल एक्सचेंज में लुगिया भाई, अल्ट्रा लुगिया, लास्ट टाइम भी शायद अल्ट्रा लुगिया आ चुका, लास्ट टाइम नहीं उससे थोड़ा सा पहले अल्ट्रा लुगिया आ चुका है, लेकिन इस बार भी अल्ट्रा लुगिया है। बाकी ये वाला पोकेमॉन भी बहुत अच्छा है भाई, इसका आई गेस ये स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन है, नहीं नहीं भाई नॉर्मल अटैक टाइप पोकेमॉन है, लेकिन भाई 200 डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड इसका डिफेंस वगैरह भी ठीक है, स्पीड भी 130 है, एंड एचपी भी ठीक ही है। बाकी का इसका एबिलिटी वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोगों को देख सकते हो। बाकी के यहाँ पर और नीचे ये भाई एक्सक्यूसिट मग आई एम सॉरी, मेरा आप सभी को पता है प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, बट जो भी है ये वाला पोकेमॉन भी आप लोग अगर चाहोगे तो यहाँ से ले सकते हो, बट आपको गोल्डन एप्पल बहुत सारे खर्चा करना पड़ेगा, एंड अगर आपको गोल्डन एप्पल लेना है तो हर
100 डायमंड टॉप अप में आपको एक गोल्डन एप्पल मिल जाएगा। बाकी के टाइम लिमिटेड डिस्काउंट देख लेते हैं। टाइम लिमिटेड डिस्काउंट में भी वही सेम इवेंट वगैरह दे रहे हैं, बस इसमें आपको 300 डायमंड का टॉपअप करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप यहाँ पर अपना डायमंड खर्चा कर करके रिवॉर्ड्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी के यहाँ पर फेस्टिवल इवेंट में देख लेते हैं। फेस्टिवल इवेंट में यहाँ पर आप लोग यहाँ से हुपा का सेट ले सकते हो एंड विक्टिनी का फ्लूट ले सकते हो, विक्टिनी हुपा ले सकते हो। बाकी के यहाँ पर डेंसी मत लेना, डेंसी उतना अच्छा पोकेमोन नहीं है। एंड यहाँ पर आप वीप सेक्शन ले सकते हो जो कि हफ्ते का सिर्फ और सिर्फ 5 दे रहे, तो 7 डेज का 35 देंगे यार, उतना भी अच्छा नहीं है, इन्हें ज़्यादा ही देना चाहिए। बाकी यहाँ फेस्टिवल ड्रॉपिंग वही है आपको, वो मिलेगा कॉफी नट्स। बाकी यहाँ पर हॉट पोकेमोन एक्सचेंज में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नॉर्मल से पोकेमोन है जो कि आप अपने पोकेडेक्स के लिए रख सकते हो। डेली लकी रिवॉर्ड में क्या है, डेली लकी रिवॉर्ड में आपका आप टॉपअप करोगे तो आप टॉपअप करोगे इफ़ यू आर लक्की देन आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एंड वीप सेक्शन में यहाँ पर एक नया पोकेमोन आया है, इससे पहले हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पर इंटीमेसी कार्ड, यहाँ पर कन्वर्जन स्टोन, भाई बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड आए हैं। बाकी के यहाँ पर ऑरेंज रुइंस आर भी आ चुका है भाई साहब, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड आए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड ये वाला पोकेमोन है जिसका नाम है इटरनाटस। इटरनाटस ये कोई फिल्म का जैसा ना फिल्म है ना, इटरनस कि क्या है, इटरनाटस उसी की तरह लग रहा है। बाकी के इसका स्पेशल अटैक देख लेते हैं। इसका स्पेशल अटैक 200 है एंड स्पीड देखो 150 है। डिफेंस वगैरह उतना अच्छा नहीं, लेकिन एचपी भी बहुत ज़्यादा है भाई। पोकेमोन तो देखने में सही लग रहा है। इसका टाइप देख लेते हैं एंड टाइप में यहाँ पर ठीक अच्छा टाइप है यार। तो इसका टाइप भाई ग्राउंड, थोड़ा सा इसको ग्राउंड और साइटिक आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि आजकल ये आइस और ड्रैगन ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। बाकी इसका रेसिस देखो, रेसिस ग्रास टाइप, भाई ग्रास टाइप बहुत ही लोग यूज़ करते हैं एंड ग्रास टाइप को 2 बार रेसिस कर सकता है। इसका एबिलिटी देख लेते हैं। एबिलिटी में इसका है ये पॉइजन एंड ड्रैगन टाइप को 30% से एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकता है एंड अगर ये आएगा तो ड्रैगन पावर आपके फील्ड में आ जाएगा 3 राउंड के लिए, जो कि डैमेज फ्रॉम पॉइजन पोकेमोन, अगर कोई पॉइजन पोकेमोन डैमेज देता है तो उसको 10% से नहीं, अगर आप किसी भी पोकेमोन पॉइजन अटैक यूज़ करते हैं तो 10% से आपका पॉइजन अटैक को बढ़ा देगा। बाकी किसका अटैक वगैरह देखते हैं। ये अटैक तो मुझे नॉर्मल सा ही लग रहा है, पॉइजन टाइप है, लेकिन इसमें यही है अगर आप डैमेज इन अगर आगे वाला कोई सा भी पोकेमोन प्रोटेक्ट यूज़ करता है तो आप उससे भी डैमेज दे सकते हो 30%। ये चलो ये एक अच्छा है, पर इसका अगर प्रायोरिटी रहता ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी के यहाँ पर ये वाला नॉर्मल सा ही अटैक है। बाकी के इसका वीट रिकवरी देख लेते हैं। वीट रिकवरी 45% है भाई, वीट मूव अच्छा 45% रिकवरी कर देगा एंड 5 राउंड के लिए ड्रैगन पावर फील्ड भी ऐड कर लेगा, मतलब 2 राउंड के लिए पहले था एंड 5 राउंड के लिए प्लस ऐड कर देगा। एंड भाई ये SP अटैक को +1 भी कर सकता है भाई, ये वाला ऑसम है बे, ये वाला अटैक बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। बाकी अब लास्ट अटैक देख लेते हैं। चलो यहाँ पर एक प्रायोरिटी मूव है जिसमें कि अगर आप यूज़ करते तो पॉइजन क्या है ये पोकेमोन आफ्टर एक्टिवली स्वीप स्मोक विथ पॉइजन एंड ऐड स्मोक स्टेट टू एनिमी फील्ड, मतलब वही है आई गेस पॉइजन का फील्ड उसमें ऐड कर देगा आगे वाले में। बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी और तो ये और नेक्स्ट वाला वीप में तो नॉर्मली है सब कुछ, और तो मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। एंड अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा इवेंट आया था, मिस्ट्री ब्लाइंड बॉक्स। तो मिस्ट्री ब्लाइंड बॉक्स में वही अगर आप टॉपअप करते तो आप उसमें से यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड ले सकते हो जो कि उतने खास भी नहीं है, तो मैं उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। एंड उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम टोकन में देख लेते हैं। सुप्रीम टोकन में यहाँ पर वही है, लास्ट वीक का ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है। बाकी तो और कुछ इवेंट दिखाने के लायक नहीं है लायक तो नहीं, और तो कुछ बचा ही नहीं है नया कुछ इवेंट। बस भाई आज की वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड अगेन आई एम रियली रियली सॉरी मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ यार, क्या बोलूँ। फास्टिंग आप सभी को पता ही है, फास्टिंग रखने के बाद हिम्मत नहीं होता है, तो हिम्मत नहीं हो पा रहा तुम्हारे भाई का, तो आप लोग समझो। एंड ईद के बाद यार ऑब्वियसली ईद के बाद मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करूँगा यार करने का, क्या ही करूँ। मैं डेली ट्राई करता हूँ, डेली सोचता हूँ मैं बैठूँगा भाई, लेकिन फिर कुछ ना कुछ क्या, मेन तो वही है मैं रोज़ा रखता हूँ उसके कारण, फास्टिंग के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एंड कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी के भाई अगर रमज़ान ख़त्म हो जाता है ईद के बाद तो आप सभी को मालूम ही है यार मेरा 9 से 10 आराम से चलेगा स्ट्रीम, वो तो रेगुलर ही चलेगा। और बस इतना ही कहना था गाइज, तो चलो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप सो मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, होप सो आप लोग समझ रहे हो मुझे। बाकी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप सो आप सभी वीडियो अच्छी लगी हो, होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।